मैं सुन रहा था कुछ कंप्यूटर में, यानी वॉल्यूम बंद किए हुए था, वो भी मतलब सोचने लगे, प्रभावित हो गए। उसी समय मैंने यूट्यूब में एक गाना सर्च किया, थोड़ी आवाज़ तेज कर दी, और गाना ऐसा था कि तुरंत कहा, अरे 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 अंदर योगी जी हैं, ऐसे गाने सुनते हैं बेचारे। वो जो सज्जन थे यानी पुलिस अधिकारी, वो भी सोच में पड़ गए कि नहीं नहीं वो योगी जी। जब तक कहा, दो लाइन चले, मैंने दूसरा गाना लगा दिया, उससे भी ज़्यादा। बस उनकी श्रद्धा क्या कह रही होगी, शायद मेरे पे शंका करने लगे और इन पे भी शंका करने लगे। कुछ ऐसी बात थी कि योगी जी ऐसे भी गाने कंप्यूटर पे सुनते हैं। उसी समय मैंने कंप्यूटर बंद किया, मूँछों पर ताव दिया, वैसे मूँछ नहीं है मगर मूँछों पर ताव दिया, और धीरे से बाहर को निकलने लगे। पता नहीं क्या सोचा होगा, मुस्कराया और पार्क की बाहर, पार्क है, पार्क में बैठ गया। क्या करता, क्योंकि वो तारीफ किए जा रहे थे, वो आकर्षित हो रहे थे। मैं अपने विरोधी से कभी नहीं डरता हूँ, चाहे जितना बड़ा विरोधी मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं निडर हूँ, योगी हूँ, लेकिन डरता हूँ जो हमसे प्रेम करते हैं, उनसे छूटने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे अस्त्र चलाता ही रहता हूँ, ऐसे ऐसे अस्त्र चलाए हैं कि लोग हमारे नज़दीक से भाग गए। वो मिरज में था, अब कहानी लंबी हो जाएगी, मुझे कहने में ज़रा सी भी शर्म नहीं लगी। कोई घटना थी और वो शिकायत मेरी गुरु माता से लगा दी गई, और गुरु माता ने क्षण भर के लिए सोचा, कहीं नहीं आनंद कुमार पे मुझे विश्वास है, पता नहीं कैसे उसने मतलब इस प्रकार के शब्द बोले, मगर उन्होंने कहा कि मैं पूछूंगी आपसे ऐसे शब्द क्यों बोले। जलगांव दूरदर्शन के कुछ जो कार्यकर्ता थे वो आए हुए थे, उन्होंने यानी माता जी ने मेरी बड़ी तारीफ की कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कानपुर से आया हुआ एक साधक है और वो सिद्ध पुरुष हो गया, मुझे सिद्ध पुरुष घोषित किया गया, और एक ही शायद मैं ऐसा साधक हूँ अपने गुरु माता से जो सिद्ध पुरुष घोषित किया गया। तो बड़े आकर्षित हुए, सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं। तो मैंने फिर अपना फिर वही ब्रह्मास्त्र कहता हूँ चला दिया, वो सुन के भाग गए, कभी मुड़ के नहीं देखा, और शिकायत और लगाई मेरी। एक्चुअली योगी लोग होते हैं, जो अयोग्य लोग होते हैं उनके आसपास, उसको मना नहीं कर सकते, मना करने का तरीका वही है। योगी हमेशा बहरूपियों की तरह रहते हैं, नहीं तो जानते संसारी व्यक्ति क्या करता है। वही दिल नहीं दुखा सकते ना किसी दूसरे का, इसलिए कोई साथ है मेरे, वो मेरे साथ रहने लायक नहीं है, लेकिन दिल नहीं दुखाना तो कि अपना रूप इस तरह से दिखाएं कि वो अपने आप चला जाए। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बहुत रहा हूँ, मेरी गुरु माता ने बहुत कुछ समझाया, मेरी जीव दृष्टि शुरू से ही बहुत पैनी रही, क्षण भर में ऐसे देखते ही सारा डाटा अंदर का निकाल लेना मेरा काम, अब तो और तेज गति से काम करता हूँ। संसारी व्यक्ति ऐसे होते जैसे जोक जानते एक नहीं होती, चिपक जाती, खून चूसती रहती है, तो संसारी व्यक्ति बस ऐसे ही है। अगर उसने समझ लिया वास्तव में ये योगी है, लग गए पीछे सेवा करने में, चाटुकारता में, चाहे जैसे प्रसन्न हो जाए फायदा ही फायदा है, यानी जैसे जोक नहीं होती खून को चूसती है, चूसती जाएगी खून खत्म होगी, वो फिर छोड़ के चली जाएगी, दूसरे के लग जाएगी। ये कमजोर कड़ी रहता है, कोई सेवा कर रहा है तो उसको अलग करना आसान काम नहीं होता। तो कहने का मतलब, तो योगियों के पास भी ऐसे ऐसे नुक्से होते हैं, वो वही अपनाता है, इसलिए सत्य यही है, संसारी व्यक्ति कभी योगियों को समझ नहीं सकता है। अच्छा है कि आपके साथ मेरे गांव वालों ने कुछ नहीं कहा, नहीं मुझे ढोंगी और पाखंडी भी कहते हैं कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग कह देते हैं, मैं सुनता हूँ, मुस्कराता हूँ और चल देता हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। वो अपना सर्टिफिकेट लिए घूमते रहते हैं तुरंत, यानी प्रमाण पत्र तुरंत दे देते हैं। नहीं, वो लोग बोलते थे कि योगी जी तो बड़े आदमी हो गए हैं, मतलब कि सब अच्छे अच्छे पुस्तकें लिखे हैं। बोले हाँ लिखे हैं। मैं समझा, मतलब कोई भी गांव वाले लोग आपकी बुराई हम नहीं सुने, बुराई नहीं करते हैं,
दो तीन लोग ऐसे हैं मेरे गांव, सिर्फ दो तीन लोग, उन्हें मैं हजम नहीं हो रहा हूँ, हजम नहीं हो रहा हूँ, ऐसा नहीं, बहुत तारीफ करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग तारीफ करते हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकता, लोग सम्मान करते हैं, देखते हैं, गर्व से अपना सीना ऊंचा करते हैं, सिर ऊंचा करते हैं। तो कहने का मतलब उन्हें भी गर्व है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, और होना अच्छा अच्छी बात है, जो हजम नहीं कर पा रहे, अच्छा है कि वो नहीं मिले, हालांकि वो जानते हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं है। उसी से तो ज्ञान भी मिलता है, ज्ञान भी उसी से तो मिलता है जो बुराई करते हैं। जी, वो लोग बुरे नहीं होते हैं, जो बुराई करे वो अच्छे होते हैं। चलो ठीक है, आप एक अच्छे साधक हैं, मैं आपको मार्गदर्शन भी करूँगा। मेरा घर नालंदा है। अच्छा, नालंदा के हैं। नालंदा में एक विशेषता है, लगभग सभी लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय नालंदा में ही था, जैसा मैं मुझे, और जो अपने योग विद्या की मूल पुस्तकें थीं वो उस विश्वविद्यालय में रहा था। मगर शायद सन 1900 के आसपास बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगवा दी थी, आक्रमण किया, शायद उस समय पाल वंश के राजाओं का राज था, अब तुम्हारा गृह नगर है, ज़्यादा समझते होगे। वहीं से छठवीं या सातवीं शताब्दी के वहीं के आचार्य, जब यानी बख्तियार खिलजी ने जब आग लगवाई, उससे कोई 300-400 साल पहले तिब्बत के राजा ने संदेश भेजा और नालंदा के आचार्यों को अपने देश यानी तिब्बत में बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप योग विद्या हमारे देश में सिखाइए, फैलाइए, मतलब वो करिए, और सदैव के लिए वो रह गए, उन्हीं की देन है, उन आचार्यों की देन है, विद्वानों की देन है कि आज वहीं से लामा निकलते हैं। लेकिन लामा लोग साधारण नहीं होते थे, मगर वो सिद्धियों की ओर ज़्यादा जाते हैं, और सिद्धियाँ उनकी इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं भी ज़रा सोच के समझ के आश्चर्यचकित हो जाता कि एक मनुष्य का शरीर कितने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तो कहने का मतलब कि वो नालंदा विश्वविद्यालय से ही कुछ आचार्य तिब्बत में गए और वहीं से योग विद्या का किया। आपका गृह नगर अच्छा है नालंदा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।